एमआईडीसी पर बरसे बीजेपी एमएलए गणेश नाइक, यूटिलिटी प्लॉट के आवंटन में दलालों की सक्रियता पर उठाया सवाल, जैव विविधता केंद्र का भी किया दौरा। ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज एमआईडीसी मुख्यालय का दौरा किया और तमाम विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने अधिकारियों की मदद से दलालों द्वारा यूटिलिटी प्लॉट हथियाए जाने पर एमआईडीसी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसे तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ एमआईडीसी अधिकारी दलालों के साथ मिलकर नागरी सेवा सुविधाओं से जुड़े भूखंडों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, जो शहर के नागरी विकास के लिए बाधा हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी धांधली नहीं रुकी तो वे चुप नहीं बैठेंगे और अधिकारियों से सवाल पूछेंगे। एमआयडीसीच्या भागात आपल्या झोपट्ट्याने गावांना होणारा पाणी पुरवठा नियमित व्हावा, कुठे प्रेशर कमी करू नये, त्याचबरोबर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून एमआयडीसीकडे ज्या जनतेच्या करता ज्या बाबीकरता प्लॉट मागे त्या प्लॉटचं वितरण लवकर व्हावं, एक गुंठा योजनेअंतर्गत काही ठिकाणी स्मशानाची जागा एक गुंठा योजनेअंतर्गत दिली गेली, ट्रॅफिकला अडथळा होईल अशा प्रकारची त्या ठिकाणी प्लॉट केले गेले, काही सज्जन प्रकल्पग्रस्तांना एक गुंठा जागा मिळण्याकरता प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असताना काही दलाल एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांशी, मी सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलत नाही, काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अशा प्रकारचे अविचारानं जे नियोजनाला बाधक ठरले अशा प्रकारचे प्लॉटिंग करण्याचा ज्यांचा इरादा आहे, मी त्यांना इशारा दिलेला की ह्याच्यापुढे जर अशा घटना घडल्या तर लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये तुम्हाला त्याचा जाब विचारला जाईल। त्याचबरोबर ट्रक टर्मिनल, टेम्पो स्टँड, पोलीस स्टेशन, फायर ब्रिगेडसाठी जागा हे महापालिकेंनी नाही निर्माण केलेले, एमआयडीसीने केलेल्या सगळ्या ह्या औद्योगिकरण, तर ह्यांच्या सोयीकरता प्लॉट जर मिळणार घेणार असतील तर तुम्ही एमआयडीसीकडे पैसे नाही, महापालिकेकडे पैसे नाही मागायचे, तुम्ही त्या जागा शून्य किमतीने द्या। तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांशी बोला, दर जसं मी महापालिकेमध्ये दर आठवड्याला जातो तशा प्रकारची ही कामाचा निपटारा होत नाही, तोपर्यंत दर महिन्याला मी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयामध्ये जाणार आहे। गणेश नाईक ने यहाँ नवी मुंबई, मुंबई और कल्याण डोंबिवली को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का भी दौरा किया। ऐरोली कॉरिडोर योजना के तहत इस टनल का निर्माण एमएमआरडीए द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि नवी मुंबई यातायात जाम और सिग्नल से मुक्त हो। टनल का निर्माण इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगा। अतः साधारणपणे 2 किलोमीटरचा, सुमारे 2 किलोमीटरचा टनेल आहे। 2 टनेलमधून 4-4 3 3 लेन तर आणि चौथी लेन आहे ॲक्सिडेंट अवॉइड करण्यासाठी, म्हणजे ॲक्सिडेंट झाला तर बाजूनी जाण्याकरता, आणि अतिशय विचारपूर्वक ही प्लॅनिंग केलेली आहे। यामध्ये मुंबईतून येण्याकरता नवी मुंबईत लँडिंग आहे, नवी मुंबईत मुंबईकरता जाताना लँडिंग आहे, कल्याणकडून येताना नवी मुंबईत लँडिंग आहे, आणि कल्याणकडे जाण्याकरता टेक ऑफ आहे। आणि ही मागणी तत्कालीन आमदार संदीप नाईकांनी उद्घाटनाच्या वेळेला मागणी केली होती, आणि त्यांच्या प्लॅनिंग डिपार्टमेंटनं एमएमआरडीच्या त्या गोष्टीची अतिशय दखल घेऊन या चारही गोष्टी केलेल्या आहेत, मुंबईकडे जाणे, मुंबईतून येणे, कल्याणकडे जाणे, कल्याणहून येणे, आणि त्या मी समाधानी कोणच या कामाच्या अनुषंगाने मी एकच त्याला अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे की कुठलाही अधिकारी कर्मचारी याला शारीरिक इजा न होता हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा। पूर्व मंत्री गणेश नाईक ने इस दौरान ऐरोली के जैव विविधता केंद्र का भी दौरा किया और अधिकारियों के साथ चर्चा कर सुविधाओं का ब्यौरा लिया। अपने दौरे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर जिस तरह वे मनपा में साप्ताहिक भेंट देते हैं,
उसी तरह अब हर महीने एमएमआरडी और एमआईडीसी कार्यालय में भी आएंगे और अधिकारियों से सवाल पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।